जय हिंद। अरे क्या हाल है भाई। वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेनिंग करें, बॉडी बनाने कई तरीके होते हैं। कुछ हमारे भाई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो 10 प्रकार का फायदा दे। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जिम नहीं जा पाते, जिनके आसपास जिम नहीं, जिनके गांव कोनो जिम नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जिनके पास जिम का कोनो सामान नहीं है, कोनो भी इक्विपमेंट नहीं है। उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी एक्सरसाइज जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो एक्सरसाइज करके आप दुनिया कोनो भी कोने में बिना जिम जाए, बिना कोनो जिम के सामान के आप अपनी तगड़ी बॉडी बना सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, अपने आप को फिट, एक्टिव, तगड़ा बना सकते हैं। वो कौन एक्सरसाइज है जो दुनिया कोनो कोने में आप कर सकते हैं और आसानी से अपनी बॉडी बना सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। और भाई अतुल भी आ चुके हैं, यहीं पे इंजन लगा के खेत भरत रहे हैं। तो हम क्या अतुल आ जाओ, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज बताना है। जॉन पुशअप हम लोग करने वाले, जॉन वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं, उसका नाम है भैया माइक टाइसन पुशअप। ये एक बहुत बड़े बॉक्सर है, 90% लोग उनको जानते होंगे बॉक्सिंग की दुनिया में। उन्होंने कितना मुकाम हासिल किया हुआ है, कितने ग्रेट और कितने बड़े लेवल के बॉक्सर हैं। उनके नाम पे पड़ा हुआ है एक पुशअप जिसका नाम है माइक टाइसन पुशअप। इतना बवाल पुशअप है ना, इतनी बवाल एक्सरसाइज है ना, ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, पूरे फिटनेस के ऊपर काम करता है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर इंक्रीज करने के लिए बवाल चीज है। तो कैसे किया जाएगा माइक टाइसन पुशअप, ओकरे बारे में जानते हैं और ट्राई करते हैं बवाल मचा। भैया माइक टाइसन पुशअप करने के लिए आपको पीछे एक दीवार की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये दीवार है तो यहाँ आप कर सकते हैं, अपने घर में बहुत सारे दीवार होते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है पहले सिस्टम समझ लेते हैं। आपको नॉर्मल पुशअप पोजिशन में आ जाना है। जैसे ये नॉर्मल पुशअप पोजिशन में आ गए और अपना जो पैर है ना वो दीवार से एकदम चिपका के रखना है, ठीक है। उसके बाद जाके पुशअप मारना है और उसके बाद पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरीके से पुशअप मारे और अपनी बॉडी पीछे खींच दिए। ये देखिए पुशअप मारे और अपनी बॉडी पीछे खींच दिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, सबसे बड़ा टफ काम कहाँ होता है, लोग पुशअप मारते हैं और जब आगे आते हैं तो अपना पैर भी आगे ले लेते हैं। चलो ये देखो, ये अगर जो आपका पैर है ना, ये पीछे वाला, ये अगर ये दीवार से चिपका नहीं है, दीवार से थोड़ा भी हटा, वो पुशअप गलत हो गया। तो जितना कोशिश करिए, पूरी ताकत लगा रखिए कि आपका जो पीछे वाला पैर नहीं है, दीवार में एकदम सटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप जाइए पुशअप मारिए, नीचे मारिए पुशअप, उसके बाद पूरी बॉडी को फोर्स करिए पीछे की तरफ। ये इस तरीके से, इसको एकदम झुकाना नहीं है, कोशिश करिए एकदम सीधे रखने का प्रयास करिए। बस इतना आप आइए ताकि आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो, पूरा आपकी काफ मसल काम करेगी। इसलिए काफ मसल काम करेगी क्योंकि आपका जो पैर है वो दीवार से एकदम चिपका हुआ है। उसके बाद आपका एब्डोमिनल, जब आप पीछे आते हैं तो आपका एब्स काम करता है, आपकी चेस्ट काम करती है, आपका ट्राइसेप काम करता है, ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही काम करता है। रिलैक्स करो बेटा। अतुल तुम 10 पुशअप किए, कितनी मेहनत लगी? तो काफ़ी सर, नॉर्मल पुशअप ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है। नॉर्मल पुशअप से 10 गुना ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन 10 गुना ज़्यादा फायदा भी आपको मिलेगा। इसमें सिस्टम एक चैलेंज होता है, हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा भी आगे की तरफ अगर जाता है तो आपका फॉर्म क्या हो जाता है, जर्क हो जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन में आप पहले प्रैक्टिस करिए कि 10 मारिए, फिर 20 मारिए, फिर 30 मारिए, फिर 40, 50, 60, 100, 100 तक आप पहुंचिए। जिस दिन आप एक दिन में 100 माइक टाइसन पुशअप मारने लगेंगे, उस दिन आप देखेंगे आपकी स्टेमिना। हाँ देखा, 10-8 मारे चेस्ट वेस्ट फुल हुआ, ठीक है। आपका शोल्डर, आपका एब्डोमिनल्स, आपका पैर, पूरे ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड बढ़ाने में ये हेल्प करता है। रेसलिंग होता है, चाहे बॉक्सिंग हो गया, लंबे समय तक लड़ाई होती है, लंबे समय तक हमको उसमें टिके रहना पड़ता है, तो स्टेमिना उसके लिए चाहिए। स्टेमिने के लिए सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा माइक टाइसन पुशअप। इससे आपकी इंड्योरेंस बिल्ड होगी, आपकी पावर बिल्ड होगी और पूरे बॉडी को फिट बनाने में काम करेगा कि नहीं। यस सर, पसीना फेंक दिया है लौंडा यार, अभी ज़्यादातर 15-20 पुशअप मारे होंगे, 15-20 पुशअप में अगर पसीना आप फेंक रहे हैं तो सोचिए कितना ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है। कहीं भी दुनिया कोने कोने में बवाल मचा सकते हो, अगर जंगल में भी हो ना तब भी तुम माइक टाइसन पुशअप करके अपने आप को तगड़ा बना सकते। और कैमरे के पीछे से हमारे एक भाई हैं जो जा रहे थे सरसों काटने, लेकिन हमारे लोग का थोड़ा सा यारी दोस्ती है तो रुक गए कि देख लेते हैं वीडियो। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप दुनिया किसी भी कोने में बॉडी बना सकते हैं या नहीं? बना सकते सर जी, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए बस। एक टाइम पे राम जी भी आर्मी वगैरह की तैयारी करते थे, काफ़ी अच्छा फिटनेस था, लेकिन अब थोड़ा सा घर गृहस्थी, अभी सरसों काटने जा रहे हैं तो इस समय में अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगाओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राम जी हमारे बड़े भाई हैं, इनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।